छत्तीसगढ़ ने अपनी ओर से वैश्विक स्थिति का आकलन करके पूर्वाभास बना के खरीदी इत्यादि के काम को 13 जनवरी से ही हमने चालू कर दिया था। जो पीपीए किट्स हैं, मास्क हैं, एक्सेट्रा N95 मास्क वगैरह, इसके खरीदी का और सरकारी खरीदी की प्रक्रिया इतनी जटिल सी होती है कि इतने दिन पहले आपको नोटिस देना, फिर टेंडर लगेगा, फिर उसको ए लिफाफा, फिर बी लिफाफा, फिर सी लिफाफा, अंततः मार्च तक जाके पहला हम पीपीए किट का ऑर्डर दे सके एचएलएल को 7,000 का और 16 तारीख को 7,000 और का। तो ये जो जटिल प्रक्रियाएं हैं इनको हमने जरूर पहले चालू किया। रैपिड रिस्पांस टीम, इसका गठन 26 जनवरी के परेड की तैयारियों के बाद छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ कर दिया था और कलेक्टर्स की अध्यक्षता में ये हमने काम करने की स्थिति में लाके और बाकी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बना के वहां से क्रिया चालू कर दी थी। एयरपोर्ट्स में ही जैसे स्पष्ट दिख रहा था कि कहाँ से लोग आ सकते हैं, तो बाहर से ही लोग संक्रमण लेके आएंगे, चाइना से चालू हो रहा है, तो इसके लिए भी एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग फॉर्म्स भरने से लेके पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग, उनके लक्षण को देखने की बात, ये हम लोगों ने लगभग 13 तारीख के आसपास से ही एयरपोर्ट्स में चालू कर दी थी, 13 जनवरी से चालू कर दी थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो प्रोटोकॉल आते रहे कि किन देशों से आए हुए यात्रियों को स्क्रीन करना, स्वाभाविक है कि पहले सिर्फ चाइना था, हम लोगों ने अपने बिजनेस कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको बोला कि आप लोगों के साथी अगर कोई चाइना गए हैं, कोई आए हो, हम लोगों को जानकारी दीजिए ताकि फॉलोअप करके उनको हम स्क्रीनिंग में ले सके, उनकी देखभाल कर सके, उनको निगरानी में रख सके। और एक देश, दो देश, तीन देश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिर 10 देश तक भी जब सूची आई, हम लोगों ने दायरा को बढ़ा के 16 देशों को उसमें अपने से ही इंक्लूड कर लिया था। अब तो 180-190 देश में कोरोना पहुंच गया है। और उस प्रोएक्टिव एक निर्णय से यूके के हमको बच्चे मिले, नहीं तो यूके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल में, टेस्टिंग प्रोटोकॉल में नहीं था, और 4-5 बच्चे हमको यूके से आए हुए हमको मिले, अन्य देशों से भी मिले। और उसके बाद क्वारंटीन, आइसोलेशन और संस्थाओं को कोविड फैसिलिटीज को चिन्हांकित करके डेवलप करना, एम्स से हमको बड़ा अच्छा सहयोग मिला और मिलता आ रहा है जहां टेस्टिंग फैसिलिटी थी, इस क्रम से हम आगे चलते गए। जो कमियां हम लोगों को पहले दिन से महसूस हुई वो इस बाबत थी कि टेस्टिंग की फैसिलिटी बहुत ज्यादा कम है। एक टेस्टिंग सेंटर पूना से देश ने कोरोना के इस लड़ाई को चालू किया, आज 220 टेस्टिंग फैसिलिटी भी हमको कम पड़ रहे हैं। तो ये डे वन से ये समझ में आ रहा था कि जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया है ये कंजर्वेटिव है। हम इंतजार कर रहे हैं कि परिस्थिति बनेगी और फिर हम स्टेप्स लेंगे, ये डे वन से दिखने लग गया था। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा आगे चल के भी अगर व्यवस्थाएं हम बना सकते हैं तो हम लोग बनाए, शायद उस बाबत हम लोग लकी रहे।